जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने राज्य विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार पेयजल से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर है। प्रदेश में जनता को पानी के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे का सदुपयोग कर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने प्रदेश में पेयजल की स्थिति पर चर्चा के बाद विधानसभा में अपना जवाब दिया। उन्होंने बताया कि राजस्थान में देश के क्षेत्रफल का करीब 10% हिस्सा है और देश की लगभग 5.50% आबादी यहां निवास करती है, लेकिन देश के कुल जल का लगभग 1.30% यहां उपलब्ध है। चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला प्रदेश राजस्थान था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने बिना पानी की उपलब्धता के ही ट्यूबवेल और टंकियों का निर्माण करवा दिया, जिसके चलते उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत 93,426 करोड़ में से महज 19,336 करोड़ की राशि ही खर्च की गयी। राजस्थान में भूजल क्षेत्रफल के अनुपात में और जनसंख्या के अनुपात में जहाँ 10% क्षेत्रफल है, 5.5 लाख यहाँ की आबादी है, और अगर भूजल की बात करें तो 1.3% ही यहाँ पे भूजल है। भ्रष्टाचार से भी बड़ी चीज ये आ रही है कि इन्होंने पानी की व्यवस्था नहीं करने की वजह से आज हमारी जितने भी पानी की टंकियाँ खाली पड़ी हुई है, और उस उपभोक्ता के घर पे जाके पानी का पोस्ट खड़ा होगा और उसमें पानी नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने काम करने का तरीका ही नहीं था। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस बजट कर लिए, क्योंकि बजट भी ज्यादा बुक नहीं कर पाए। जहाँ 93,000 करोड़ का बजट इनको बुक करना चाहिए था, उसमें से इन्होंने केवल 20,000 करोड़ का किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को व्यवहार्य नहीं बनाया, जिसके चलते इसे क्रियान्वित करने में व्यवधान आए। केंद्र सरकार नदी जोड़ो परियोजना के तहत इसे शामिल कर 90% हिस्सा राशि देने को तैयार थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार इस पर सहमत नहीं हुई। कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि हमारी सरकार बनते ही त्रिपक्षीय एमओयू हुआ, इससे राज्य को 3,400 मिलियन क्यूबिक मीटर एमसीएम पानी मिलेगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो 4 लाख भर्तियों की जो घोषणा की है, 1 लाख भर्ती इस साल करनी है, उसमें मेरे को भी टारगेट दिया कि आपके विभाग से भी लगभग 25,000 के आसपास भर्ती करें। उसमें हमारे सब इंजीनियर से लेकर असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर वो भी हम भर्ती करें, टेक्निकल कर्मचारी जो नीचे इसको सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए, जहाँ हैंड पंप है, जहाँ ट्यूबवेल्स है, इनका संधारण के लिए नीचे कोई हमारे पास कर्मचारी नहीं, उनके लिए भी हम भर्तियां कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि ये लगभग 8,300 करोड़ रुपए लागत की 148 किलोमीटर की परियोजना है, जिसमें 16 किलोमीटर की टनल बनेगी। योजना से 500 MCM पानी उपलब्ध होगा। मंत्री ने कहा कि इस बार गर्मी के सीजन में कंटिंजेंसी प्लान के तहत 461 करोड़ रुपए व्यय कर पानी के लिए काम हुए हैं। जलदाय विभाग और पंचायती राज विभाग के अधीन कार्यरत हैंडपंप्स अब एक ही विभाग के अधीन होंगे। 25,000 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मांगा गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न तकनीकी पदों के साथ ही अभियंताओं के पदों पर भर्ती की जाएगी। योगेश शर्मा के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।